थर्ड क्वेश्चन, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर. एक कोन जिसका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, माउंटेड ऑन ए एमिसफियर. इस कोन को एक एमिसफियर के ऊपर रखा हुआ माउंटेड है ऑफ सेम रेडियस, यानी कि कोन का और एमिसफियर का रेडियस सेम है. द टोटल हाइट ऑफ टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर. टोटल हाइट टॉय की 15.5 सेंटीमीटर है. फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय. टॉय का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? तो ये आपका है क्वेश्चन थर्ड. फिगर को ड्रॉ कर लीजिए. फिगर ड्रॉ करते ही काफी कुछ काम तो आपका स्टार्टिंग में ही हो जाता है. तो सबसे पहले एमिस्फीयर के ऊपर क्या कर रखा है, कोन को माउंट किया हुआ है. ये आपका एमिस्फीयर, इसके ऊपर ये है कोन, ऐसे. रेडियस दोनों का सेम, रेडियस दोनों का क्या होगा, सेम होगा. और रेडियस जो है वो गिवन कितना है, 3.5 सेंटीमीटर. तो लिख देते हैं यहां पे रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ एमिस्फीयर, जिसको आर से दिखाएंगे, क्या है आपका 3.5 सेंटीमीटर. यहां लिख देता हूं आर इज इक्वल टू 3.5. 3.5 को आप 7/2 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं. क्यों लिख रहा हूँ आगे आपको पता चल जाएगा, कैलकुलेशन को थोड़ा ठीक ठाक करने के लिए. बाकी आप 3.5 रखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. तो ये तो आपका 3.5 सेंटीमीटर हो गया, ये रेडियस तो दोनों का 3.5 सेंटीमीटर. टोटल हाइट ये दे रखी आपकी 15.5 सेंटीमीटर. अगर ये 3.5 है तो ये रेडियस यहाँ भी, ये भी 3.5 होगा. और ये 3.5 इट मीन्स यहाँ तक ये जो डिस्टेंस बनेगी आपकी, ये आपकी क्या हो जाएगी, 3.5 सेंटीमीटर. फिर ये जो बचेगी है, और ये क्या बचेगा, फिर कौन की हाइट, ये 15.5 में से 3.5 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा आपका, 12 सेंटीमीटर. तो हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन क्या बनेगी आपकी, 15.5 में से 3.5 माइनस कर दी क्या हो जाएगी आपकी, 12 सेंटीमीटर हो जाएगी कोन की हाइट. अब इसका आपने एरिया बताना, यानी ये वाली हाइट, ये हाइट आपकी हो गई है 12 सेंटीमीटर कोन की हाइट यहाँ तक. अब एरिया निकालेंगे तो किसका आएगा, एरिया एमिसफेयर का प्लस एरिया किसका आपका, कोन का. अब कोन का एरिया का फार्मूला होता है आपका पाई आर एल, कर्व सरफेस एरिया, पाई आर एल. एल यानी कि स्लैंट हाइट, और स्लैंट हाइट यहाँ पे गिवन नहीं है, जैसे इसको ये स्लैंट हाइट आप, पहले स्लैंट हाइट को फाइंड आउट कर लेते हैं, तो उसका यूज कर लेंगे, पहले ही कर लेते हैं. तो स्लैंट हाइट ऑफ कोन यानी कि एल किसके इक्वल होती है आपकी, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और सारे का रूट. स्लैंट हाइट का फॉर्मूला आर स्क्वायर यानी कि 7/2 लगूंगा मैं कैलकुलेशन के लिए, 3.5 लगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है. एच स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर, 7/2 का क्या हो जाएगा, 49/4 प्लस 12 का स्क्वायर 144. इन दोनों का एलसीएम लेंगे 4 आएगा, ये 49 और यह आपका 576. ये 625 अपॉन 4, स्क्वायर रूट लेंगे 625 का 25 अपॉन 2 इज इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर. आपको स्लैंट हाइट का पता चल गया है. अब निकालना आपने टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय. टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, टोटल सरफेस
एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू क्या होगा, किसका एरिया, कोन का प्लस एमिसफेयर का, सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस सरफेस एरिया ऑफ एमिसफेयर, कोन का सरफेस एरिया पाई आर एल, एमिसफेयर का सरफेस एरिया 2πr², थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो जाए, दोनों में से पाई आर को ले लिया कॉमन, यहाँ रहेगा एल, पाई आर को ले लिया कॉमन, यहाँ क्या रहेगा आपका 2r, यानी कि एल प्लस 2r, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 7/2, चाहे 3.5 लोहे की बात है, एल आपने फाइंड आउट किया था 12.5 प्लस 2, आर की जगह 7/2, जो कट रहा उसको यहीं काट दो, 7 से 7, 2 11, तो यहाँ क्या रहेगा बार, तो आपका 11, 12.5 प्लस यहाँ 2 से 2 कैंसिल और कितना 7, यानी क्या हो जाएगा 11 इंटू, इनको ऐड करेंगे 19.5, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट।